तो पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी आ रही है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मिले झटके के बाद लंदन में बैठे नवाज शरीफ की सक्रियता काफी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने एमक्यूएमपी के नेता खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन किया और बधाई दी। आपको बता दें एमक्यूएमपी पहले इमरान सरकार में मौजूद थी लेकिन फिर विपक्ष के साथ मिल गई। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रही है। जिन नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान की सेना ने करीब 4 साल पहले इमरान खान का रास्ता आसान किया था, वही नवाज शरीफ इमरान सरकार के पतन की दास्तान अपने समर्थकों के साथ टीवी पर देखते रहे, वो भी अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठकर। नवाज शरीफ भले ही कुछ साल से पाकिस्तान में नहीं है लेकिन इमरान सरकार के खिलाफ उनकी बेटी पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम शरीफ लड़ती हुई दिखी। वो पाकिस्तान में सियासी हालातों की पल पल की जानकारी अपने पिता को देती रही। परसों यानी 6 अप्रैल को जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उनके भतीजे हमजा शरीफ को सीएम बनाया गया तो मरियम शरीफ अपनी पार्टी के सांसदों को लेकर बस से गई और नवाज शरीफ को वीडियो कॉल करके बताती रही अगर इमरान सरकार अविश्वास प्रस्ताव में हार गई तो शरीफ परिवार की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। विपक्ष ने नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को पीएम का चेहरा घोषित किया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।